दोनों व्यूज डिस्कस करके अपना ओपिनियन दें चलिए इस डिस्कस करते हैं आंसर सम पीपल फील दैट म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज शुड प्राइमेरली फोकस ऑन शो लोकल हिस्ट्री एंड कल्चर रादर देन इंटरनेशनल वर्क द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्ट गैलरीज इज टू पोर्ट्रेट ट्रेडिशनली सिग्निफिकेंट वर्क ईदर दीज आर लोकल और इंटरनेशनल इन माई ओपिनियन म्यूजिक शुड शो के लोकल एंड इंटरनेशनल कल्चरली And traditionally important item means we are not saying they should only show local, they can show international as well. यानी yani कि हम कहते हैं कि हमारा जो जो हम लिख रहे हैं उसमें हमारा क्या है कि हम ये बात कह रहे हैं कि आर्ट गैलरीज का purpose क्या होता है कि traditionally जो पुराना जो सिग्निफिकेंट वर्क है चाहे वो लोकल हो इंटरनेशनल हो वो दिखाया जाए और वो वर्क जो है वो दोनों का मिक्सचर ऐसा नहीं कि हम फोकस कर जाएं लोकल पे या इंटरनेशनल पे

तो इससे हमें बेनिफिट हो जाएगा उन स्टूडेंट्स को स्टैंड आउट एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी द स्मिथसोनियन इन यूएस विच हाउस इज की हिस्टोरिक एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स विजिटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड डिस्परेट एथनिक ग्रुप्स कैन पोटेंशियली फाइंड कॉमन ग्राउंड बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्ट्रगल एंड अचीवमेंट्स ऑफ देयर फोरफादर्स तो इसमें हमने एग्जांपल कौन सी दी है यूएस में स्मिथसोनियन की जिसमें क्या है हिस्टोरिक और कल्चरल आर्ट इफेक्ट है उससे क्या होता है अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों से जो विजिटर आते हैं अलग अलग एथनिक ग्रुप से उनके पास एक कॉमन ग्राउंड है जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या स्ट्रगल की रिगार्डलेस दिटीजन एज होल कैन लर्न मोर फ्रॉम इंटरनेशनल आर्ट वर्क मोस्ट पीपल है

अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जो ब्रिटिश म्यूजियम इन लंडन है फेमसली कंटेन्स वन ऑफ़ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ़ कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हमें पता है कि ब्रिटेन ने काफी कंट्रीज पे रूल किया तो उनके जो म्यूजियम है ना ब्रिटिश म्यूजियम इन लंडन उसमें पूरे वर्ल्ड के सब मेन जो महत्वपूर्ण है आर्टिफेक्ट वो हैं बाय सी एंड रीडिंग द प्लेक्स ऑफ आर्ट वर्क

जो होती है ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्रॉड होती है किसके बारे में ट्रेडिशन कल्चर जो भी मॉडर्न वर्ल्ड में को बनाने में जिनका रोल रहा है और इससे क्या होता है इससे एक कल्चरली डाइवर्सिफाइड सोसाइटी भी बनती है बिकॉज़ वी हैव नॉलेज ऑफ अदर कंट्रीज एज़ वेल सो कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे कि इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू हाउस ओनली आइटम दैट रिप्रेजेंट लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन In other words, there should be national international items which depict traditional values in any museum or art gallery. They should represent cultural diversity. to so, conclusion mein humne kya bola ke सिर्फ हम local culture और tradition नहीं दिखा सकते अपने museum art galleries में वहाँ पे combination होना चाहिए national और international items का जिससे पता चले कि क्या-क्या हुआ है इससे cultural diversity आती है। So guys, you can have एन आइडिया वॉट यू कैन राइट ऑन दिस टॉपिक ये टॉपिक काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है थैंक यू